एवरीवन, ये आज हम भारतीय समाज का एक परिचय देना चाहते हैं। इसमें है फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इंडिया एज ए प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय समाज में विभिन्नताएं, भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता। तो आखिर भारतीय समाज की का क्या परिचय है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी कैसे है, उसको हम समझें। तो आप जानते हैं, भारत में हर एक पहलू के नज़र से भी अगर आप देखें तो भारत में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हैं, भौगोलिक दशाएं जो भारत की है। आप ये देखिए कि उत्तर में हिमालय श्रृंखला और पर्वत है, तिब्बत चीन तथा एशिया के शेष भागों से पृथक हो जाता है भारत। पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत श्रेणियां हैं, फिर बीच में जो है ना गंगा का मैदान है। दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध है में पड़ता है, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ये भी एक भौगोलिक दशा में काफ़ी अंतर है। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म, उत्तर भारत की जलवायु ठंडी और गर्म दोनों का मिश्रित है। और तो ये भारत देश लगभग 8 डिग्री और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर 2933 है, लगभग बराबर है। तो चलिए देखते, भौगोलिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, 5 भागों में भौगोलिक रूप से डिफरेंसेस है, फिर भी है तो वो भारत ही। तो कौन कौन सा डिफरेंस है, यही आपको समझना है, विभिन्नता में एकता या प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, बहुलतावाद। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें भारत के तराई क्षेत्र में और उत्तर में हिमालय पहाड़ है, जिसमें टिहरी, कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये सारी चीज़ें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और दूसरे में उत्तरी भारत का बड़ा मैदान, और तीसरे पॉइंट में दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और चौथे में मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल, और पांचवे में समुद्र तट के मैदान। तो ये अलग अलग क्षेत्रफल, अलग अलग भौगोलिक दशाएं होते हुए भी भारत एक है, ये बात आपको समझ में आई। और देखिए, लिंग भेद की पॉइंट से आप देख लीजिए कि भारत में लिंग भेद अलग अलग है। भाषा के पॉइंट से देख लीजिए, भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, कुल जनसंख्या का 39% हिंदी बोला जाता है। बंगला बोला जाता है 8.22%, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगला। तेलुगु बोला जाता है 7.8% लोग तेलुगु बोलते हैं, उसके बाद मराठी बोलते हैं 7.38%। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बंगला, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मराठी। तो कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती, इतनी भाषाएं हैं भारत में, हिंदी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, ठीक है। तो इतनी भाषा के साथ फिर भी भारत में इतनी विभिन्नता होने के बावजूद हम लोगों में एकता है, हमारी राष्ट्रभाषा एक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और इसके बावजूद हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। जैसे मान लिए वो सब भाषाएं कौन कौन है, असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बंगला है, मराठी है, मलयालम है, संस्कृत है, सिंधी है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इतने भाषा होने के बावजूद भी हम में एकता है। धर्म को ले लीजिए, तो भारत में विशेष रूप से 6 धर्म हैं, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख और हिंदू धर्म है। तो ये धर्म को आप देखिए, हिंदू धर्म भारत में 80.5% है, ये सब 2001 की जनगणना के अनुसार है। मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिख 1.84% और बौद्ध 0.80% और जैन
0.40%। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन में सबसे कम जैन है, सर्वाधिक हिंदू हैं, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम है। तो इतने लोग रहते हैं भारत में, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन, इतने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम में एकता पाई जाती है। ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक केरल राज्य में रहते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक महाराष्ट्र में रहते हैं, हिंदू धर्म के सर्वाधिक रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और इस्लाम धर्म के मानने वाले सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, जबकि सिख धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में रहते हैं। तो इतने मतलब धर्म, इतनी भाषा होने के बावजूद भी भारत में एकता है। भारतीय समाज के परंपरागत आधार में आपको बताता हूँ, भारत में जो है आप इसको नोट करेंगे, वर्ण व्यवस्था है, कर्म का सिद्धांत है, आश्रम व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, जाति प्रथा है, विवाह, गांव पंचायत, धर्म की प्रधानता, ये सारे इनकी विशेषता है भारतीय समाज की। वर्ण व्यवस्था में चार प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कर्म के सिद्धांत पे है, भारतीय सामाजिक संगठन कर्म के सिद्धांत को मानता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा करके नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्म करना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा न करो, गीता के जो शब्द है। तो कर्मवाद का सिद्धांत है। आश्रम व्यवस्था, भारत में चार आश्रम को माना जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भारत में सामान्य तौर पर संयुक्त परिवार व्यवस्था है। जाति व्यवस्था पाई जाती है, हर एक जाति जो है किसी न किसी वर्ण से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण है भारतीय समाज, गांव का समाज है, और स्वतंत्रता है, समानता है भारत में लोगों को। भारतीय समाज में आधुनिक रूप में अगर विशेषता देखें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में संस्कृतिकरण हुआ, पश्चिमीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, और आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, लौकिकीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, इन सारे परिणाम के स्वरूप भारतीय समाज में फिर भी एकता बनी हुई है। भारतीय समाज में विभिन्नताओं को मूल रूप से मैं अंतिम रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विभिन्नता कहाँ कहाँ है। भौगोलिक दशाओं में विभिन्नता, जो आपको पहले बता चुके हैं, जो हिमालय पर्वत, मैदान, तटीय प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो भौगोलिक विभिन्नता है। जलवायु की भी विभिन्नता, जलवायु अलग अलग है, उत्तर में कुछ और जलवायु, दक्षिण भारत में कुछ और जलवायु है। तो डाइवर्सिटीज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, डाइवर्सिटीज इन ज्योग्राफिकल कंडीशन। परजातीय विभिन्नताएं, रेशियल डिफरेंसेस, काले, गोरे, सांवले, सब तरह के लोग पाए जाते हैं। धार्मिक विभिन्नताएं, डाइवर्सिटीज ऑफ रिलीजन है, धार्मिक विभिन्नताएं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलके हैं भाई भाई। जनजातीय विभिन्नताएं, ट्राइबल डिफरेंसेस हैं, बहुत तरह की जनजातियाँ है, हो है, खासी, गार, जयंतिया, गोंड और चेचू, फिर क्या अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, उत्तराखंड में जनजातियां पाई जाती है, खस, बैगा, जौनासारी और टोडा, बे इंतहा जनजाति है, नायर, ये सारी चीज़ें हैं। भाषाएँ अलग अलग है, द्रविड़ भाषाई, चीनी भाषा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार अलग अलग है। खान पान, रहन सहन में भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेज इन फूड एंड लिविंग, लोगों के खान पान, तौर तरीके, रहने सहने, सोचने, कहीं कोई धोती कुर्ता पहनता है, पंजाब में सलवार कमीज, उत्तर प्रदेश में लोग सभी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, राजस्थान गुजरात में अलग अलग ड्रेस है, पंजाब का अलग है, खान पान अलग है, यूपी का अलग है, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, कृषि अलग है, व्यवसाय अलग है। जनसंख्या में भिन्नता, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन, कहीं कम पॉपुलेशन,
और कहीं ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, कहीं कम। सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विभिन्नताएं भी बहुत है। कहीं विभिन्न क्षेत्रों में देवी देवताओं की पूजा अलग अलग होती है। कोई एक ईश्वर को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, कोई अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हैं, उद्योग धंधों की विभिन्नताएँ, डिफरेंसेज ऑफ प्रोफेशंस हैं, अलग अलग, कोई लकड़ी का काम, कोई ऊन का काम, कोई कुछ, कोई कुछ करते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के उद्योग धंधे डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। जैसे मान लिया कश्मीर में सेब के धंधे, केरल में मसाले के धंधे, उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के धंधे, उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस, हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस, तो अलग अलग। तो भारतीय समाज में अब देखें विभिन्नता में एकता क्या है, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटीज इन इंडियन सोसाइटी। देखिए भौगोलिक एकता है हमारे यहाँ, ज्योग्राफिकल यूनिटी है, हम लोग एक है, सब लोग विभिन्न हो करके भी हम लोग एक हैं। उन्हीं बातों को आप यहाँ डिफाइन करेंगे। फिर हमारे यहाँ रेशियल एथनिक यूनिटी है, प्रजातीय नस्लों की एकता है, हम लोग एक है, इंडियन मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस हैं, भारत प्रजातियों का एक द्राविड पात्र है ये। तो भारत जो है एक ही जन, एक ही प्रजाति के लोग हैं। सांस्कृतिक एकता है, विभिन्नता होने के बावजूद भी हम लोगों का खान पान रहन सहन सारे भारतीयों का करीब करीब एक ही है, कोई भेद नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खान पान में, सब एक ही तरह के रहते हैं, एक ही कुर्सी पे बैठते हैं, एक ही बेड पे रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। राजनीतिक एकता है, सबका एक ही ग्रुप है, कोई अलग अलग नहीं है, धर्म जाति भाषा क्षेत्र अलग होते हुए भी राजनीतिक दल हमारा एक है, कोई भाजपा को मानता है, कोई कांग्रेस को, फिर भी हम, हमारा प्रधानमंत्री एक है। धार्मिक एकता इसके बावजूद भी है, हम लोग एक ईश्वर को मानते हैं, अल्टीमेटली यही कहते हैं ईश्वर एक है। वेद में भगवत गीता कुरान बाइबल सब में इसी बात का उल्लेख है कि ईश्वर एक है। सामाजिक एकता, सोशल यूनिटी हमारे अंदर पाई जाती है, हम लोग एक की फीलिंग रखते हैं, सामुदायिक एकता है, हम लोग अलग अलग होते हुए भी ये मानते हैं हम भारतीय हैं, हम एक हैं। भाषा की एकता, सारी भाषाएं अलग अलग होते हुए भी, भाषा की बहुलता होते हुए भी एक साची हुई प्रतीत होती है, सारी भाषा संस्कृत भाषा से उद्भव हुई है, देवनागरी लिपि से विशेषकर। तो कला की एकता, यूनिटी ऑफ आर्ट है हमारे अंदर, मूर्तिकला चित्रकला नृत्य संगीत ये सब में एकता का भाव देखने को मिलते। मस्जिद चर्च मंदिर को अगर देखिए तो एक जैसे लगते हैं, अलग अलग होते हुए भी पता नहीं चलेगा कि कौन मस्जिद है कौन मंदिर है। भारतीय जनता की एकता, यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, यूनिटी हम सब में भी एकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में देखते हुए प्रजातीय विभिन्नता होते हुए भी हमारे अंदर, इसी को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी उसको कहते हैं जिसमें हम सब लोग विभिन्न होते हुए भी एकता की फीलिंग करते हैं, बिना भेदभाव के, बिना तनाव के, आपस में मोहब्बत से प्रेम से रहते हैं। बहुलवाद का अर्थ होता है जब आप किसी सोसाइटी में, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन जो आपका है दबाव मूलक नहीं है, प्रेम के साथ है, बहुत प्रेम से मोहब्बत के साथ आप भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न भाषा के क्षेत्र बंगाली मराठी और क्या कहते हैं कि कुमाऊं गढ़वाली एक साथ मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं, इसको ही बहुलवादी समाज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर क्लियर हुआ और कैसा लगा ये भी आप हमें बताएंगे इसमें कमेंट बॉक्स में, अपने विचार ज़रूर दिया करें और लाइक और कमेंट भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।